नमस्कार, रूबरू बिहार की श्रेणी में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उस लाल की जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव में जन्म लिया और अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध नाम बने और बड़े पर्दे पर चमक रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहद संजीदा अभिनेता मनोज वाजपेयी की। मनोज वाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने अभिनय की वजह से पूरी फिल्म में जान डालने की काबिलियत रखते हैं, जिन्होंने कई भाषाओं में हमेशा चैलेंजिंग भूमिका निभाया है और लोगों के दिलों पर हावी होते चले गए हैं। मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज के पास एक छोटे से गांव बिलवा में हुआ था। मनोज के पिता एक किसान थे और मां गृहिणी थी। किसान परिवार में होने की वजह से मनोज अपनी छुट्टियों में खेती का काम भी करते थे। मनोज ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजा हाई स्कूल बेतिया जिले से की थी। इसके बाद वे सत्यवती कॉलेज गए, जिसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज आ गए। 2006 में मनोज वाजपेयी ने सवाना राजा फिल्म, जिनका फिल्मी नाम नेहा से उन्होंने शादी की, उनसे इन्हें एक बेटी भी है। मनोज वाजपेयी ने अपना धारावाहिक स्वाभिमान के साथ कैरियर की शुरुआत की। फिर बैंडिट क्वीन फिल्म में मनोज ने डाकू मानसी का चरित्र निभाया था। 1994 में आई फिल्म दुरोह काल और 1996 में आई दस्तक फिल्म में भी मनोज ने छोटे से किरदार निभाए थे। इसके अलावा मनोज ने कई छोटे बड़े फिल्मों में काम किया, परंतु 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या ने मनोज के कैरियर को एक ऊंचाई दी। मनोज ने लगातार कई फिल्मों में अभिनय से अपना लोहा मनवाया। वर्ष 1999 में आई फिल्म शूल में उनके किरदार समर प्रताप सिंह ने लोगों के दिलों को छू लिया और लोग उनके अभिनय के कायल हो गए। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। 2010 में आई प्रकाश झा के निर्देशन में बनी फिल्म राजनीति में उनके द्वारा निभाए गए वीरेंद्र प्रताप उर्फ वीरू भैया ने के किरदार ने उनकी अभिनय की एक नई परिभाषा गढ़ दी। इस फिल्म के प्रीमियर शो के बाद कटरीना कैफ अपनी सीट से उठी और उन्होंने मनोज वाजपेयी के पैर छू लिए। कटरीना ने कहा, उन्होंने ऐसी एक्टिंग पहले कभी नहीं देखी जैसी मनोज ने फिल्म में की है। 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग एक में मनोज ने सरदार खान के किरदार निभाया। इस फिल्म को मनोज के किरदार को समीक्षकों की तरह से खासी सराहना भी मिली। मनोज वाजपेयी को बेहतर काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सत्या के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। शूल में उनके किरदार समर प्रताप सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ बिहारी को लाइक करें और बिहार के निष्पक्ष और ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। धन्यवाद।